अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया जैसे ही ये जानकारी मिली कि जयपुर से आ रही फ्लाइट में बम है। इस खबर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को हिलाकर रख दिया। अयोध्या में फ्लाइट के इमरजेंसी लैंडिंग होते ही चेकिंग अभियान शुरू किया गया। एटीएस के जवानों ने लगभग 4 घंटे तक इस अभियान को जारी रखा। इसके बाद ये पता चला कि बम होने की जानकारी महज एक अफवाह थी। इस दौरान प्लेन में सवार पैसेंजर्स को लगभग 3 से 4 घंटे तक रनवे पर खड़ा रहना पड़ा। यात्रियों ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या क्या रिएक्शन लिए, चलिए आपको दिखाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हमने तुरंत किया, नहीं हमें निकाल दीजिए, हम लोग घर जा रहे हैं। हम अपनी मम्मी को यूएस से आए हुए हैं रामेश्वरम यात्रा कराने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही पता चला हमने बोला हमें निकाल दीजिए, सिक्योरिटी वालों ने हमें हेल्प किया, हम तुरंत निकले बाहर। उसके बाद उन्होंने बोला कि नेशनल सिक्योरिटी है, आपका बैग होल्ड है, चेकिंग दोनों बैग को नहीं आएगा। तो हमने बोला वो रोक दीजिए, हमें जाने दीजिए, डेथ हो चुकी है, हमें हॉस्पिटल से डेड बॉडी निकल चुकी है। इन्होंने बोला नहीं आप नहीं जा सकते। आज 4.5 घंटे तक हम लोग रो रहे हैं एयरपोर्ट में, कोई भी नहीं आ रहा है। पूरा एयर इंडिया एक्सप्रेस का काउंटर खाली है, हट जाइए, ये अयोध्या का एयरपोर्ट है। मेरा नाम निधि शर्मा है, मैं जयपुर से हूँ। प्रॉब्लम ये हुई है, 2.5 घंटे तक धूप में खड़ा करा है, ना तो पानी दिया है, ना वॉशरूम की सुविधा दी है। बच्चे बूढ़े जवान, क्या हम लोग सफर करने के लिए यहाँ आए थे? अगर आपको थ्रेट था तो आपने पहले सुनिश्चित क्यों नहीं किया? आपके पास कोई अच्छे इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, बस हम लोगों को थ्रेट कर रहे हैं। और हमें लगेज के लिए, हमें पोर्टर बस के लिए चिल्लाना पड़ा है एक्चुअली कि हमारे भाई कहाँ है। कोई थ्रेट मिली होगी इन लोगों को कि प्लेन में कुछ है, तो इस रिगार्ड से इन्होंने हमें उतार दिया ग्राउंड पे। आपको पता है रनवे कैसा होता है, खुली धूप में खड़ा कर दो जी, हाथ पीछे कर लो जी। क्या है, हम कोई टेररिस्ट हैं क्या? और अगर हैं तो भाई साहब पूरा ढंग से करो काम, नहीं कर सकते हो तो बच्चों बूढ़ों को परेशान मत करो, नहीं तो अयोध्या तो आना भूल जाओ। और ये एयर एक्सप्रेस नाम की जो आपकी प्लेन है, जो भी है, प्लीज इस कंपनी को बिल्कुल बंद करो, इस पे कोई भी मत चढ़ो, कोई भी इसका टिकट मत लो, डोंट यूज दिस। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, गए थे 10 बजे, चले 10 बजे के यहाँ पे, वहाँ से फ्लाइट लेट यहाँ पे 2 बजे आई। उसके बाद में साहब धूप में खड़े लगे, उतारा, बाहर बिठा दिया, सर आपका सामान स्कैन होगा, सामान आगे रख के 3 फुट पीछे खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े रहे। अब सब गर्मी ज्यादा, आप धरती में बैठ जाओ और क्या है, पानी का कोई पता नहीं, चाय का पता नहीं। अगर बम होता तो वैसे ही था, वहीं रास्ते में उड़ता या एयरपोर्ट पे उड़ता, तो हम तो बैठे हुए तो हम तो उड़े उड़ाए थे। ओम प्रकाश जोशी 4 घंटा परेशान है, जयपुर से आ रहे हैं हम दर्शन करने, राम मंदिर के आए हैं। अजी इन्होंने कहा था कोई बम की अफवाह है, जो 4 घंटे तक हमको विलंब कर दिया। 2 बजे फ्लाइट आ गई थी, 5 बज रहे हैं, ये मान लो बिठा के रखा नहीं, इधर से उधर है, सूचना नहीं इनको मिली है। हम तो जयपुर से उठे जब तो सूचना ही नहीं थी, बाद में मिली है। या 3 घंटे तक हमको परेशान कर दिया और कुछ भी नहीं। इस पूरे मामले पर एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने कहा कि जयपुर से आ रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। उन्होंने कहा कि चूंकि बम की धमकी मिली थी इसीलिए तमाम चेकिंग पूरी की गई, सुरक्षा के लिहाज से कोई भी चूक नहीं की जा सकती, इसीलिए यात्रियों को समझाया गया और उनसे सहयोग मांगा गया। देखिए एक फ्लाइट थी जो जयपुर से अयोध्या आई थी, एयर इंडिया एक्सप्रेस की IX765, उसके अंदर 139 यात्री थे और उसके अंदर बम की सूचना थी, जो कि अभी लगता है कि अफवाह हॉक्स कॉल थी ये, तो उसको हमने यहाँ लैंडिंग करा करके आइसोलेशन बे में रखा और सबकी चेकिंग वगैरह करने के बाद अब सब क्लियरेंस हो गई है और यात्री भी यहाँ से चले गए। देखिए जब इस तरह की दिक्कत होती है तो दिक्कत होना लाजमी है, दिक्कत तो मुझे भी हुई है पर्सनली, तो थोड़ा सा तो इसमें क्लियर करना पड़ता है, इस तरह की सूचनाओं के अंदर थोड़ा सा रहता ही है। अब कुछ नहीं हो रहा, अब जहाज़ जो है यहाँ से आगे जाएगा, उसके बाद बेंगलोर जाना है जहाज़ ने, अब जहाज़ क्लियर हो गया है। यहाँ 2 बजे लैंडिंग हुई थी जहाज़ की और अभी थोड़ी देर में ही यहाँ से प्रस्थान है। बस अभी आधे घंटे के अंदर चलेगा। अयोध्या एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे यात्रियों का कहना है कि वो परेशान हो गए, इसमें काफी समय लगा। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि इस विमान में 139 यात्री सवार थे,
ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान था जिसकी करीबन 2 बजे अयोध्या एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।